खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी के परिवार में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह दोस्तों ने जानकारी दी कि वह बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया है। घटना की जानकारी लगते ही परिवार के लोग बदहवास हालत में रीवा पहुंचे तो देखा कि उसके मोबाइल में आत्मघाती कदम उठाने से पहले एक सेल्फी ली गई और दोस्त को भेजी गई है। युवक आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी जांच पड़ताल अमहिया पुलिस कर रही है। युवक के भाई जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि विनय द्विवेदी अतरेला थाना क्षेत्र के पुरैना का रहने वाला है। अमहिया स्थित बिजली विभाग कार्यालय में पदस्थ था, वर्तमान में उमरी में ड्यूटी थी। बीती रात्रि दोस्तों के साथ परिवार में बात हुई थी, लेकिन कुछ परेशान लग रहा था। पूछने पर बताया था कोई दिक्कत नहीं है और सुबह घटना की जानकारी हुई है, आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस सब का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र द्विवेदी है। क्या घटना हुई है? ये मैं पुरौना से हूँ, ये मेरे चाचा का लड़का है, कल विनय द्विवेदी नाम है। ये कल रात में रीवा आया था, रीवा में पता लगा कुछ लोगों से कहीं निमंत्रण था इसका, तो थर्ड पार्टी फ़ोन लगाई निमंत्रण जिसके यहाँ था कि आ जाओ निमंत्रण, माने भोजन कर लो उसके बाद घर जाना। तो बोला मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, दो चार बच्चों की व्यवस्था रखना कुछ मैटर है। इतनी बात हुई, फिर शाम को घर में बात हुई, अपनी माता राम से बात की है, माता राम लगाई थी घर से फ़ोन, माता राम से भी बात हुई तो कुछ धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। माता राम बोली कि क्या बात है, आज बहुत धीरे बोल रहे हो। बोला कि हो गया ऐसी बात है। फिर सुबह जानकारी हुई कि ये सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा लिया। हम लोग रीवा आए तो इसके मोबाइल में कुछ लोग देखे कि ये फांसी लगाने के पहले एक नंबर में व्हाट्सअप किया था, सेल्फी लिया, फोटो लिया। हाँ सेल्फी लिया था, फांसी लगाने के पहले ये सेल्फी लेके व्हाट्सअप किया था। क्या उम्र होगी? उम्र 29। थाना कौन सा था? थाना अतरेला है और यहाँ का थाना महिया है। कहाँ काम करते थे? ये बिजली विभाग में 220 KV में उमरी में काम करता था।